दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार के 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से पहले सरकार को निशाने पर लिया। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग टैक्स देते हैं उसका समावेश है। इस टैक्स के योगदान में दिल्ली के लोगों का बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं, 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा सेंट्रल GST में देते हैं। जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं तो दिल्ली वालों का हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। बाकी सब राज्यों को केंद्र सरकार अपने टैक्स का एक हिस्सा देती है, लेकिन हमें 1 रुपया भी अपने टैक्स से वापस नहीं मिलता। इस 2 लाख करोड़ का 5% तो दिल्ली वालों का अधिकार है। इसलिए दिल्ली सरकार की दिल्ली वालों की तरफ से मांग है कि इस बार दिल्ली में बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए बिजली और सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के लिए इस बार सेंट्रल बजट से दिल्ली को 10,000 करोड़ दिए जाएं। ढाई लाख करोड़ रुपए तकरीबन जो दिल्ली वालों ने केंद्र सरकार को टैक्स में दिया, उसमें से कितना पैसा दिल्ली पर खर्च हुआ, उसमें से कितना पैसा केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिया? 0, नील बटे सन्नाटा। दिल्ली के 2.5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स से दिल्ली के लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला। आज मैं केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? दिल्ली के लोगों के टैक्स का एक हिस्सा दिल्ली की सरकार के पास आता है, जिसमें स्टेट का GST कंपोनेंट, VAT इत्यादि शामिल है। 35,000 करोड़ लास्ट ईयर दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को टैक्स दिया। वो दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली वालों पर खर्च किया। दिल्ली वालों को फ्री बिजली देने में खर्च किया, पानी का नेटवर्क अनऑथराइज कॉलोनीज में पहुंचाने में खर्च किया, दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में खर्च किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने में खर्च किया, फ्री इलाज देने में खर्च किया। दिल्ली में जो हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं, मोहल्ला बसेज आ रही हैं, उनको लाने में खर्च किया, नए फ्लाईओवर्स बनाने में खर्च किया। तो जो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को टैक्स दिया, जो 35,000 करोड़ टैक्स दिया, वो दिल्ली के लोगों पर, दिल्ली के विकास पर खर्च हुआ। दिल्ली वाले भी 2 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, उसके ऊपर 25,000 करोड़ सेंट्रल GST देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की तरह जिनको 54,000 करोड़ मिलता है, कर्नाटका की तरह जिनको 33,000 करोड़ मिलता है, दिल्ली को 1 रुपया भी केंद्र सरकार से इस 2.5 लाख करोड़ से नहीं मिलता। लेकिन इस बार के बजट में ये दिल्ली वालों की मांग है कि दिल्ली को अपना हक मिलना चाहिए। जब दिल्ली के लोग मेहनत करके ईमानदारी से टैक्स देते हैं तो हमें हमारे टैक्स का पैसा हमारे शहर के विकास के लिए क्यों नहीं मिलता? अगर दिल्ली को अपना हक मिलेगा तो दिल्ली में जिस स्पीड से डेवलपमेंट दिल्ली सरकार कर रही है उसकी स्पीड बढ़ सकती है। 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पूरे बजट का मात्र 0.25% है। दूसरा, जो दिल्ली इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूशन देती है उसका ये मात्र 5% है। तो दिल्ली वालों का दिल कितना बड़ा है ये देखिए। हम कह रहे हैं कि जो हम इनकम टैक्स देते हैं उसका 95% हिस्सा आप पूरे देश पे खर्च करो, पूरे देश के विकास पे खर्च करो, देश में अच्छे हाईवेज बनाने पे खर्च करो, अच्छे स्कूल बनाने पे खर्च करो, अच्छे अस्पताल बनाने पे खर्च करो। लेकिन दिल्ली वाले जो टैक्स देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली के विकास के लिए दीजिए। 10,000 करोड़ इस साल दिल्ली को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए, यह हमारी केंद्र सरकार से मांग है।